दावा करते हैं हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत घटी, प्रिकॉशन डोज 600 और 1200 की जगह अब 225 रुपए में लगेगा। बाड़मेर में 45 डिग्री तापमान में आग के बीच बैठा बाबा, सर पर जलती मटकी रखकर कर रहे हैं साधना। अनुपेट के लुणिया के गांव नारावाली में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, 4 वर्षीय बालिका के साथ हुआ दुष्कर्म। और खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इनकी कीमत घटाने की घोषणा की है। अब निजी अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपए में लगेगी। इसमें पहले निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए और कोवैक्सीन की 1200 रुपए में मिल रही थी। कीमतों में कमी की घोषणा सभी वयस्क नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाने का फैसला होने के बाद की गई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 18 प्लस उम्र वाले सभी नागरिकों को निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। शुक्रवार को कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर आधार पूनावाला ने सरकार के इस कदम की तारीफ की और एक टीम में वैक्सीन की कीमत कम करने की घोषणा कर दी। पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी निजी अस्पतालों में एक डोज के लिए 600 रुपए के बजाय 225 रुपए लेगी। उधर कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की ज्वाइंट एमडी सुचित्रा एला ने भी वैक्सीन की कीमत 1200 रुपए से घटाकर 225 रुपए करने की घोषणा एक ट्वीट में की है। खबर श्री गंगानगर से, जहां पदमपुर में सरकारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 3 दर्जन से अधिक बच्चों की पोषाहार खाने से पेट में दर्द होने लगा व तबियत बिगड़ गई, जिससे अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। दरअसल घटना ग्राम पंचायत तामकोट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्कूल की है, जहां शुक्रवार सुबह काफी विद्यार्थियों ने पोषाहार का सेवन किया, जिसमें 3 दर्जन के करीब बच्चों में फूड पॉइजनिंग होने से अफरा तफरी मच गई और स्कूल प्रबंधन ने तुरंत प्रभाव से निजी डॉक्टर से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के बाद काफी बच्चों को पदमपुर के एक निजी हॉस्पिटल लाया गया। तो प्रशासन ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत प्रभाव से मौके पर प्रशासन ने घटना को गंभीरतापूर्वक लेने पर बच्चों की सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की जाँच करवाई। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित है। प्रधानाचार्य ने पोषाहार बनाने वाले कर्मचारियों को लापरवाही का जिम्मेदार बताते हुए अभिभावकों के समक्ष विभागीय कार्रवाई की आश्वासन दिया है। खबर पावटा से, जहां उपखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा रविवार को पावटा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 11 से दोपहर 1:45 तक आयोजित हुई, जिसमें प्रवेश परीक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस परीक्षा में 4 रिक्त सीट के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा से कुल 420 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण किया था, जिसमें 219 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी व 201 बच्चे अनुपस्थित रहे। सभी अभ्यर्थियों के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में केवल एक ही परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इस परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष केवल रिक्त सीटों के लिए किया जाता है। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में मनोज शर्मा, पूनम चतुर्वेदी व गिरिराज प्रसाद शर्मा की नियुक्ति की गई थी। यह परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि की थी। वहीं पावटा के प्रागपुरा में खेलना सहित क्षेत्रों में आज रामनवमी मनाई जाएगी। आज रामनवमी पर हिंदू जागरण समिति पावटा व हिंदू उत्सव समिति प्रागपुरा और श्री राम सेवा समिति खेलना द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से श्री राम जन्मोत्सव पर पूरे लवाजमे के साथ भव्य शोभा यात्रा व भगवान रैली निकलेगी। पावटा स्थित मोदी मंदिर, प्रागपुरा से क्यारे वाला हनुमान मंदिर, खेलना से ठाकुर जी का मंदिर से प्रारंभ होने वाली ये भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्री राम भक्त जुटेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति अगाध विश्वास है, यही वजह है कि रामनवमी के दिन पूरा शहर राममय होगा। खबर सूरतगढ़ से, जहां शोपुरा कस्बे में ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को दुर्गाष्टमी व पर्व धूमधाम से मनाया गया। अल सुबह भक्तजनों ने मां दुर्गा की आराधना की, वहीं नन्ही कंजकों के पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बैठाया व सर पर लाल चुनरी धारण करवाई।
तत्पश्चात छोले, खीर, हलवा व अन्य स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। वहीं नन्ही कंजकों के रूप में बच्चियां साक्षात दुर्गा स्वरूप लग रही थी। भोजन पश्चात कंजकों के हाथों में मेहंदी लगाकर उन्हें दक्षिणा सहित प्रसाद वितरित किया गया। फिलहाल रेगिस्तान में 45 डिग्री तापमान के बीच एक बाबा बाड़मेर में आग के घेरे में बैठकर हठ योग कर रही हैं। दिन में 1.5 घंटे तक वो हठ योग करते हैं। बाबा का कहना है कि 17 साल से लगातार हठ योग कर रहा हूं। वहीं बाड़मेर में शिव मुंडी गणेश मंदिर के पास बैठकर बाबा साधना कर रहे हैं। बाबा सियाराम मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं। सियाराम महाराज ने 13 साल की उम्र में बनारस आश्रम में संन्यास लेकर सीताराम महाराज से दीक्षा ली थी। बाबा साल 2010 में बाड़मेर आए थे, तब से यही हैं। उन्होंने बताया कि हठ योग 18 साल के लिए होता है। बाबा का कहना है कि तपस्या सदियों से चली आ रही है। आज के समय में यह तपस्या कम साधु संत ही करते हैं। तेज धूप से जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, वहीं बाबा सियाराम दोपहर करीब 12 बजे चारों तरफ गोबर के कंडे जलाकर बैठ जाते हैं। आग की आंच के बीच में तपस्या करते हैं, फिर मटकी में आग लगाकर सर पर रख लेते हैं। बाबा सियाराम का कहना है कि 18 साल का हठ योग अनुष्ठान है, हर साल 4 महीने का होता है। यह तपस्या जन कल्याण के लिए कर रही है। बाबा का कहना है कि 17 साल में हठ योग तपस्या कर रहा हूं और 2005 में मैंने तपस्या शुरू की थी। गुरु के निर्देश से तपस्या कर रहा हूं। इस तपस्या से जनता का कल्याण होगा। कई लोग कहते हैं कि हठ योग नहीं करना चाहिए, लेकिन आदिकाल से हठ योग होता आ रहा है। बाबा का कहना है कि मेरे दादा गुरु सीताराम ने बाड़मेर शिव मुंडी के नीचे आश्रम बनाया था। दादा गुरु ने 40 साल तक यहां पर रहकर तपस्या की थी। दादा गुरु ने मुझे यहाँ बुलाया था, तब यहीं से हर साल गर्मी के मौसम में तपस्या करता हूँ। बाबा सियाराम का कहना है कि हठ योग कोर्स में अनुष्ठान 4 महीने में गर्मी के समय में किया जाता है। माँ की वसंत पंचम से लेकर श्रेष्ठ गंगा दशहरा तक अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में धूप से कोई लेना देना नहीं होता। जब तक जप करते हैं तब तक न तो गर्मी लगती और न ही आग का तप लगता है। खबरों में बात करेंगे अनूपगढ़ की, जहां लुणिया क्षेत्र के गांव नाहरा वाली में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गांव नाहरा वाली की 4 वर्षीय बालिका के साथ अज्ञात युवकों ने गांव में अज्ञात स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद उसे घटना को किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया। उक्त घटना 5 अप्रैल शाम की बताई जा रही है। हालांकि बालिका ने डर के मारे घर में कुछ नहीं बताया, लेकिन बालिका की मां ने देर शाम को उदास बच्ची से पूछा तो बालिका ने सारी घटना बयां कर दी। बालिका ने अपनी मां व चाची को घटना के बारे में बताते हुए कहा कि आरोपी काले रंग का था व उसने कमीज पजामा पहन रखा था। उसने उसे चॉकलेट खिलाने की बात कही और अपने साथ ले गया, जिसके बाद उन्होंने श्री गंगानगर में डॉक्टर से जान पहचान रखने वाले व्यक्ति को उक्त घटना के बारे में बताया तो उसने आशंका जताई कि बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस पर वह 6 अप्रैल को सुबह गंगानगर गए। वह सरकारी अस्पताल में दिखाया तो चिकित्सकों ने भी बालिका के साथ दुष्कर्म होने की बात कही। वहीं पुलिस थाने में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसके बाद शुक्रवार को परिजनों ने आकर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं आज गांव में माहौल गर्मा गया। आरोपी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लोगों ने नहरावाली बाजार को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया व धरना शुरू कर दिया है। मौके पर विधायक व काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। देखते रहें DPK न्यूज। नमस्कार।